कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद से मृतकों की अस्थियों का भी विसर्जन नहीं हो सका था। इसी कड़ी में सांगानेर विधायक अशोक लाहुटी ने सांगानेर इलाके से 27 परिवारों के 35 परिजनों को द्वारकादास पार्क अग्रवाल फार्म से बस से रवाना किया। ये सारी व्यवस्था विधायक ने अपनी ओर से निःशुल्क की है। इस दौरान सांसद रामचंद्र बोरा भी मौजूद रहे। लाहुटी ने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से पालना भी की गई। 55 सीटर बस में 35 लोगों को रवाना किया गया। पूरी बस को रवाना करने से पूर्व सैनिटाइज भी किया गया। सभी यात्रियों को भी सैनिटाइज करके ही भेजा गया। इसके बाद अन्य इलाकों से भी अस्थियों को विसर्जन के लिए रवाना किया जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अस्थि विसर्जन करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये नहीं हो सका था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। हिंदू मान्यताओं में अस्थि विसर्जन का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हमारी वैदिक और सनातन रीति नीति में भी यही माना गया है। लॉकडाउन के दौरान सांगानेर विधानसभा के सैकड़ों परिवारों में, जिनके परिवारों में कोई ना कोई स्वर्गवास हो गया था और इस दुख की घड़ी में वो लोग वहाँ पर अस्थि विसर्जन नहीं कर पाए थे, ये हमारा पूरा परिवार है। इसलिए मुझे ध्यान में आया कि इन सबका अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम जल्द से जल्द होना चाहिए। मैंने वहाँ के उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक जी से बात की, राजस्थान सरकार से बात की और सांगानेर विधानसभा की पहली बस आज इस यात्रा अस्थि विसर्जन यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। पहली बस में 27 लोग हैं, 32 लोग इनके परिवार के साथ में जा रहे हैं। सभी लोग यहां से जाएंगे। इनकी समुचित व्यवस्था यहां के कार्यकर्ताओं ने की है, इनके भोजन की, नाश्ते की, कल सुबह की। और चूंकि लॉकडाउन का समय है, इसलिए आते समय कोई तकलीफ नहीं हो,